हेलो गाइस, यू आर वाचिंग सीरियल सियाप्पा। बात करते हैं टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि, तो आज रात के एपिसोड में मनीष अभीरा से कहेगा कि रूही की माँ आरोही भी इसी दर्द से गुजरी थी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि अब उसकी बेटी भी यही झेले, इसलिए मैं रूही को सब खुशियाँ देना चाहता हूँ। अभीरा कहती है कि रूही को सब खुशियाँ मिलेंगी। मनीष कहता है कि अगर तुम रूही के बारे में इतना सोचती हो तो तुम उसे शादी के लिए कन्विंस क्यों नहीं करती। अभीरा या मनीष को एश्योर करती है कि वो बात करेगी। अभीरा कपकेक खिला देती है अरमान को और अरमान बहुत ही ज़्यादा शौक में है। अभीरा फैमिली पिक्चर देखती है। विद्या या माधव को कन्विंस करता है कि विद्या कहती है माधव से कि आप कावेरी को बोलिए कि रोहित हमारा ज़रूर लौटेगा। माधव कहता है विद्या से कि रोहित अब हमारे बीच नहीं है। विद्या कहती है कि आप कैसे रूही की दूसरी शादी प्लान कर सकते हैं, मैं तो रूही को देखने के बाद ही उम्मीद लेकर के बैठी हूँ कि रोहित लौटेगा। माधव कहता है कि विद्या अपने आप को कंट्रोल करो, तुम्हें स्माइल करना होगा रूही की खातिर। अरमान विद्या और माधव की सारी बातें सुनता है। विद्या माधव से कहती है कि तुम चाहते हो कि मैं स्माइल करूं, हमेशा से यही तो कर रही हूँ, पिछले कुछ सालों से मैं स्माइल कर रही हूँ दर्द के बावजूद। विद्या कहती है कि हमेशा मुझे अरमान की माँ से कंपेयर किया गया है, फिर भी मैं मुस्कुराती रही हूँ। अरमान तभी यहाँ ब्रेकडाउन हो जाता है विद्या के प्रॉब्लम और पेन के बारे में पता चलने के बाद। विद्या यहाँ पर यह बिलीव करने से मना कर देती है कि रोहित अब मर चुका है। माधव उसे कंसोल करता है। अभीरा यहाँ फैमिली पिक्चर का फ्रेम फिक्स करती है और वो कहती है कि इस पिक्चर में ना तो मैं हूँ ना अरमान। अभीरा यहाँ पर अरमान को कपकेक खिलाती है। वो अरमान से कहती है कि मिठाई नहीं खाओगे, आफ्टर ऑल दादी सा ने रूही की दूसरी शादी सोच ली है। अरमान रूही को देखता है और वहाँ से चली जाती है रूही रोते हुए। अरमान कहता है रूही से कि प्लीज़ मुझे गलत मत समझो, वो तो अभीरा ने ज़बरदस्ती मुझे कपकेक खिला दिया। रूही यहाँ पर अरमान से कहती है कि क्या तुम भी यहाँ मुझे कन्विंस करने आए हो शादी के लिए। वो कहती है कि कोई भी मेरे बारे में नहीं सोच रहा। अरमान कहता है कि रूही कोई भी तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करेगा। अभीरा अरमान से कहती है कि क्यों तुम नहीं चाहते रूही की शादी हो। अरमान देखता है ज़मीन पर ग्लास पड़ा है टूटा हुआ और जैसे ही अभीरा चलकर आती है अरमान उसे गोद में उठा लेता है अपनी। और तभी यहाँ पर अभीरा से कहता है कि तुम हर्ट हो जाओगे, तुम्हें चोट लगेगी। रूही अरमान और अभीरा कितनी नज़दीकी देख कर के और चढ़ जाएगी। रूही अभीरा से कहती है आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम कहना क्या चाहती हो। अभीरा कहती है कि मैं या तुम्हें मूव ऑन करने के लिए कन्विंस करने नहीं आई हूँ। रूही कहती है अभीरा से तो तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। अरमान ने कहा ना तुम मेरी लाइफ से दूर रहो। और अरमान यहाँ पर अभीरा पर भी नाराज़ होता है। माधव यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान है विद्या की मेडिकल और मेंटल सिचुएशन देखकर। अभीरा माधव को कंसोल करती है। अरमान देखता है अभीरा माधव को और खुश होता है। रूही यहाँ स्वर्णा से कहती है कि आप मनीष को दूसरी शादी का प्लान करने से रोकिए। स्वर्णा रूही से कहती है कि तुम उनकी भी कंडीशन समझने की कोशिश करो। मनीष और विक्रम यहाँ पर मानव को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं रूही के बारे में। स्वर्णा यहाँ रूही से बात करने का सोचती है और वो कहती है कि एटलीस्ट मनीष जी के लिए तुम कम से कम मानव से एक बार मिल तो लो। अरमान यहाँ माफ़ी मांगते हैं अभीरा से, उसे कपकेक खिलाता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। और फिलहाल तो ऐसे मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।